चलिए अब आगे देखिए, आगे आपका प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला है आपका बरदराज के बारे में गुरुजी को क्या लगा था? ये लगा था कि उसके भाग्य में विद्या नहीं है। नंबर 3 वाला आपका सही है, क्या लगा था कि उसके भाग्य में विद्या नहीं है। अगला है, गुरुजी का पढ़ाना बरदराज की समझ में कम आता था, पूरा आता था कि बिल्कुल नहीं आता था। अगला है, बिल्कुल नहीं आता था। सही आंसर है इसका, बिल्कुल नहीं आता था। कुएं की जगत पर पड़े निशानों को देखकर बरदराज के दिमाग में क्या हुआ, तनाव हुआ था? नहीं, कुछ नहीं हुआ, बिजली सी कौंध गई। सही आंसर है इसका, बिजली सी कौंध गई। अगला है, बरदराज ने कौन सा ग्रंथ रचा था? लघु सिद्धांत, मुग्धमोध या दोनों? दोनों ही ग्रंथ जो हैं, लघु सिद्धांत और मुग्धमोध, दोनों किसके हैं? बरदराज जी के। तो सही आंसर है इसका, दोनों। अगला है आपका, बरदराज को गुरु के आश्रम में क्यों भेजा? स्वस्थ बनने के लिए, शिक्षा शस्त्र चलाने के लिए या पढ़ने के लिए? सही है इसका, पढ़ने के लिए। क्यों भेजा था? पढ़ने के लिए, ना कि शस्त्र चलाने के लिए या स्वस्थ बनने के लिए। क्यों गया था? पढ़ने के लिए। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा बनाइए। क्या बनाना है आपको? भाववाचक संज्ञा। पहला है आपका अच्छा, अच्छा का भाववाचक क्या बनेगा? अच्छाई। फिर है योग, योग का क्या बनेगा भाववाचक संज्ञा? योग्यता। मूर्ख, मूर्ख की भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? मूर्खता। सुंदर, सुंदर का क्या बनेगा? सुंदरता। क्या बनेगी? सुंदरता। बुरा, बुरा का क्या बनेगा? बुराई। ठीक है, ये भाववाचक संज्ञा है आपकी, अच्छा का अच्छाई, योग के योग्यता, मूर्ख मूर्खता, सुंदर सुंदरता, बुरा बुराई। ये हो गई आपकी भाववाचक संज्ञा। बच्चों आप अपनी बुक में ये सब फिल करिएगा, कल हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। रिटन वाले हैं जो आपके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, इन प्रश्न उत्तरों को करेंगे। जब तक आप अपनी बुक में ये सारी बुक एक्सरसाइज जो दे रखी है ये सारी फिल करिएगा, सारा सही सही देख के इसमें से फिल करिएगा। ठीक है, और अपना पुराना वर्क जो भी आपका छूट रहा हो उसको भी कंप्लीट करिएगा। आपका आज का होमवर्क यही है कि आपको देखकर बुक एक्सरसाइज फिल करनी है।